उसने देख लिया था उसमें कि किस तरह से NaHM काम करता है, उसके क्या कंपोनेंट्स हैं। और ये एक दो एक स्लाइड बची है NaHM, ये NaHM हम लोग ने कल शुरू किया था। तो उसमें फिर वो उसके ठीक बाद हम लोग एक कंपेरेटिव एनालिसिस ले लेंगे उसका, दोनों का ये दोनों में क्या डिफरेंस है। तो हम लोग ने एक मिनट आ जाए स्लाइड पर, राफेल ये सब देख लिया था, नेशनल रेगुलेट टारगेट्स ये भी देख लिया था, और जो मेजर पॉइंट्स थे वो देख लिया था। ये हमने मेजर इनिशिएटिव में देखा था कि आशा क्रिएशन और मिनिस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष, जननी सुरक्षा योजना, उसके बाद था जननी शिशु सुरक्षा योजना, नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, उसके बाद हमने देखा था कि इसमें जो RBS के ये ऐड हुआ था, और भी सारी चीजें जुड़ती चली गई थी। नंबर ऑफ जितने भी पॉइंट्स है बड़ा लंबा है, और इसमें जब देखिएगा आप जाके तो इसके एक एक पॉइंट्स पे आपको पूरा पूरा जो है वो एक प्रोग्राम है, और इसमें RBS के एक अपना प्रोग्राम है, उसकी एक अलग लंबी ट्रेनिंग है। दो चीज याद रखना है कि इसमें आशा ऐड हुआ था, और दूसरी चीज क्या था कि आयुष से जुड़ा था इसी में, इसमें स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष शुरू हुआ था। ठीक है, RBS के बारे में ध्यान रखना है कि 4 Ds की बात करता है, डिफेक्टिव फॉर डिजीज डिफिशियंसी डेवलपमेंटल डिलेज होती है। फिर RKSK था, मतलब कि जो बच्चे बड़े हो गए उनको देखने, एडोलेसेंट हेल्थ के लिए टारगेट कर रहा था। मिशन स्क्रीनिंग में जो न्यू इनिशिएटिव था 2011 में जो लाया गया था, 11 से अब तक उस चीज को हम पढ़ रहे थे, उसमें यहाँ पे बात हो रही थी कि मदर एंड चाइल्ड हेल्थ विंग इसमें जोड़ा गया था, MCH विंग। ठीक है, उसके बाद फ्री ड्रग एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज जो एश्योर किया गया था, बात हमने की थी कि नेशनल आयरन इनिशिएटिव था जो वीक्स मनाया जाए इसमें 2013 से लेकर 10 से 19 साल के जो बच्चे या जो एज ग्रुप है उनको सबको आयरन सप्लीमेंट्स देने की बात इसके अंदर हुई थी कि उन लोगों को आयरन सप्लीमेंट दिया जाए, चुके बहुत ज्यादा जो है उसमें कहते हैं आयरन डिफिशेंसी एनीमिया, और एनीमिया जब खून कम होगा तो उसके हिसाब से डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी का कमजोर होगा, बहुत सारी जो है ना वो प्रोटीन माल एनर्जी की वजह से या दूसरे कारण से उसमें बीमारियां हो सकती हैं। उसके बाद RMNCHA जिसमें रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलेसेंट को जोड़ा गया, इसमें ये प्रोग्राम था। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सबको बराबरी के साथ, सबको कोई भी एरिया छोड़ना नहीं चाहिए। जो कंप्रेहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर की बात हुई इसके अंदर NaHM के अंदर, उसके 9 एरियाज थे। पहला एरिया ये था कि जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है या ऑर्गेनाइजेशन है प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज का, उसको स्ट्रांग करना है। स्ट्रांग इन द सेंस में कि HR यानी ह्यूमन रिसोर्स, लोग स्टाफ वहाँ बढ़ाना है, और दूसरे उसके जो है वो केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि जो वहाँ पे बिल्डिंग अच्छी हो, उसके साथ साथ उसमें जो है डायग्नोस्टिक टूल्स अच्छे हो, यानी लैब बहुत अच्छा एस्टेब्लिश करे, ड्रग डिस्पेंसिंग यूनिट अच्छी हो, डॉक्टर्स की ड्यूटी टाइम से लगे ज्यादा हो, 24 आवर हो, ये इस पर टारगेट किया गया। इम्प्रूव एक्सेस टू टेक्नोलॉजी ड्रग एंड डायग्नोस्टिक्स, जाहिर सी बात है आज के देर में अगर चीज़ों को बहुत इफेक्टिव करना है, फास्ट करना है, ज्यादा लेवल पे करना है, तो मैनुअल से आगे थोड़ा सा आपको टेक्नोलॉजीज पे बेयर करना पड़ेगा। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ऐसी आई, फिजिक्स और केमिस्ट्री ऐसा इन्वॉल्व हुआ मेडिसिन में कि उसने जो है वो बहुत अभूतपूर्व चेंजेस किए। लॉन्ग डिस्टेंस वाला आप डायग्नोस्टिक में ही देख सकते हैं कि कितना जल्दी हम लॉन्ग रेंज में लोगों का, ज्यादातर लोगों का डायग्नोस्टिक कर पाते हैं, या फिर ड्रग उसमें डिजीज को डायग्नोज करने में जो हमारे टूल्स हैं वो टेक्नोलॉजी की वजह से ही बहुत ज्यादा हो पाए। इंक्रीज यूटिलाइजेशन फॉर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, ये बहुत जरूरी है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके कम्युनिकेट करने में बहुत आसानी होती है। इससे क्या होता है कि पेशेंट जो आ रहा है आपके पास वो भी इम्पावर होता है, उसको डिजीज के बारे में अगर पहले से नॉलेज होगी तो उसके इफ एंड बट जानेगा तो बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी नहीं रहेगा, वो अगर इन्फॉर्म रहेगा एजुकेटेड रहेगा तो उसके पास क्लास आ जाता है। इस प्रोग्राम से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से हम पेशेंट को भी अवेयर करते हैं, मजबूत करते हैं, ताकत है, और जो आदमी प्रोवाइड कर रहा है ये प्रोसेस यानी अपना स्टाफ, वो भी इसके बारे में जानकारी बढ़ती चली जाती है। प्रोमोटिंग कम्युनिटी केयर मेकिंग केयर पेशेंट सेंट्रिक, यानी कि आपको जो केयर है वो हमेशा पेशेंट सेंट्रिक होना चाहिए कि पेशेंट की क्या नीड है उसके हिसाब से केयर देना है। ठीक है, इस तभी हो पाएगा जब कम्युनिटी को आप उसके बारे में अवेयर करेंगे, उनके अंदर बताएंगे डिजीज के बारे। एनहेंस क्वालिटी ऑफ केयर, जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी, जाहिर सी बात है गवर्नमेंट सेक्टर्स में लोग इसी वजह से नहीं आते हैं, उनको लगता है कि यार फ्री होगा, इसमें क्वालिटी नहीं है, इस वजह से लोग जो है ना वो इसको इग्नोर करते हैं। एम्फेसिस कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड एड्रेस
इक्विटी कंसर्न इन हेल्थ, हमेशा वो चीज ज्यादा, वो प्रोग्राम ज्यादा आपको एक्टिव होता है जिसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेट करे खुद से, ठीक है। और दूसरी ये बात है कि तभी वहाँ जब कम्युनिटी पार्टिसिपेट करेगी तो सबको बराबर का हक मिले, तभी आप ये इंश्योर कर पाएंगे, अदरवाइज में तो आपको दिक्कत नहीं हो पाएगी, कहीं ना कहीं बाइस आ ही जाएगा। एक मिनट जी। वालेकुम सलाम। ओके, तो डेवलप एचआर पॉलिसी टू सपोर्ट प्राइमरी हेल्थ, मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स है जो है उसमें ऐसे टेक्निकल लोग, आप देखिएगा कि जो नई जो मिशन आए थे एनआरएचएम में, तभी से आपको ना मैनेजरियल पोस्ट वगैरह क्रिएट की गई इसमें एनआरएचएम में। पहले हॉस्पिटल में सब सारी चीजें नहीं होती थी, प्राइवेट वाले अपना करते थे, गवर्नमेंट वाले नहीं, यहाँ मैनेजरियल पोस्ट की गई ताकि ह्यूमन रिसोर्स जो उसको सही से मैनेज कर पाए, डॉक्टर की टाइमिंग, कितने डॉक्टर चाहिए, नर्सेज और सारी चीजें 24 आवर। तो ये हम लोग भी डिमांड कर रहे हैं कि एक हॉस्पिटल में मैनेजमेंट का बंदा होना चाहिए, जिसमें भी कॉलेजेस में भी, ताकि सारी चीजों को, इतना जो बड़ा बजट है और इस तरह की जो डिफरेंट फैसिलिटीज हम दे रहे हैं उसको सही से मैनेज कर पाए। तो ये इसमें एनआरएचएम में जोड़ा गया, ठीक है। एक्सटेंडिंग गवर्नमेंट इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग फाइनेंसिंग गवर्नेंस को आपको जिसमें स्ट्रेंथ करना है, मजबूत करना है, फाइनेंसिंग पार्टनरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी, पैसे कैसे आए उसको मैनेज करना है, कम है तो पहले डॉक्टर के इस पे छोड़ दीजिएगा ना आप पूरी योजनाओं को, तो उनसे हो नहीं पाएगा, उनको कॉमर्स की बात पता नहीं है, उनको कितना कैसे टाइमली उन्होंने किन चीजों को कब मैनेज करना है, कितना बजट है, ये सब बना के वो दे नहीं पाते हैं। तो सरकार ने इसमें जो है उसी को जोड़ा कि ताकि सही से बजटिंग हो, सही से उस तक पहुंच पाए, प्रोग्राम अगर बीच में कहीं गड़बड़ हो गया, पैसा नहीं पहुंचा तो धड़ से रह जाएगा, फिर डिजीज आप देखते हैं रजिस्ट्रेशन कितनी जल्दी डेवलप होती है। पार्टनरशिप की जरूरत है प्राइवेट से, एनजीओ से, और आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए, ये अगर कोई सुविधा नहीं पहुंची तो ये आदमी जिम्मेदार होगा, क्यों नहीं पहुंची, तो इससे क्या होता है कि कोई भी काम जो है ना जल्दी और तेजी होने लगता है, अकाउंटेबिलिटी जब किसी की फिक्स कर देंगे तो। स्टेट ऑफर्ड सपोर्ट थ्रू पीपीआईज ऑफ एनएचएम, ये हमने कल ही जो बात किया था कि स्टेट अपना पीपीआई बना के भेजता है नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू, उसी को सेंट्रल जो है सब सेंटर्स में क्या आना है सेंटर उसी को बना के देता है। तो कंप्रेसिव प्राइमरी हेल्थ केयर में जो 9 एरियाज था वो ये सारे एरियाज थे। इसमें एक जो शुरू से हम लोग करते आ रहे थे कि मदर विंग जुड़ा और फ्री डायग्नोस्टिक, उसमें एक अलग चीज थी किलकारी, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स था ये। इसमें क्या करते थे किलकारी के थ्रू की जो एक्सपेक्टिंग मदर है, ठीक है, उसको टाइम टू टाइम सेंसिटिव आइडिया देना पड़ता है कि आपकी प्रेगनेंसी, जैसे रिकॉर्ड आ गया कि ये प्रेगनेंट है, तो आप उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर या वीकली बेसिस पे, इसमें था कि वीकली बेसिस पे उसको प्री रिकॉर्डेड जो है ना वो मोबाइल से ऑडियो चला जाएगा उनके मोबाइल पे कि ये हफ्ता या ये महीना आपका, जैसे फोर्थ मंथ स्टार्ट होता है तो ये बहुत आपका वो है डेंजर मंथ है, तो इसमें क्या केयर करना है, इस तरह से जो भी वोम के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे का ना, उसके बारे में सारी जानकारी मोबाइल के थ्रू देना था। तो इसमें जरूरी था कि जो प्रेग्नेंट है उसके पास मोबाइल हो, ऑडियो मैसेज उसके थ्रू आता था, इससे क्या होता था कि दूर रह के भी उनका केयर होता चला जाता था। लॉन्च ऑफ नेशनल वाइड एंटी ड्रग रेजिस्टेंट सर्वे, ये बहुत बुरा मामला है, जितने भी सरकार की तरफ से प्रोग्राम चल रहे थे उसमें ज्यादा परेशान करने वालों में ये ड्रग रेजिस्टेंट बहुत बुरा हाल था। तो इसके तहत वो भी लाया गया कि धीरे धीरे जो हम स्क्रीनिंग करेंगे तो इसमें जो है सर्वे टीवी के लिए कि रेजिस्टेंट जिनको डेवलप हो रहा है, जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट की तरफ चले जा रहे हैं, उनका भी सर्वे इसके थ्रू कर लेंगे, ठीक है। कालाजार एलिमिनेशन प्रोग्राम, यूपी में, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड में कालाजार बहुत ज्यादा है, तो जो एलिमिनेशन प्रोग्राम रखा गया था उसके थ्रू इसमें भी सर्वे और उसके थ्रू ड्रग देने का सारा काम होगा। तो ये पूरा इनिशिएटिव था आपको एनआरएचएम का। डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो नाम एब्रिविएशन देखिएगा तो एक रूरल हेल्थ मिशन, एक अर्बन हेल्थ मिशन है, ठीक है। रूरल हेल्थ डिलीवरी के लिए गांव में सही से हेल्थ सिस्टम पहुंचे, ठीक है, उसके लिए इसको एनआरएचएम को लाया गया था। और ये एनआरएचएम 2005 ही में आ गया था, 2013 में आपको लॉन्च हुआ एनएचएम, एनयूएचएम। एनयूएचएम के लिए जो अर्बन स्लम्स है, पुअर फैमिलीज है या जो लोग रह रहे स्लम्स में, रिक्शा पुलर्स, रैग पैकर्स यानी स्ट्रीट वेंडर्स, उनके लिए ये लाया गया था। और इसमें एनआरएचएम में क्रिएशन हुआ था आशा का, एफिलिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, और उसमें एनयूएचएम में उषा हुआ था, अर्बन सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ये एक डिफरेंस है जो आप ध्यान में रख सकते हैं। आशा जो 1000 पॉपुलेशन पे होना चाहिए, उषा जो 1000 से लेकर 2500 लोगों का वो एक एरिया होना चाहिए जिसमें इतने हो, और 200 से 500 घर माना जाता है, दोनों में इसको एक आप दे सकते हैं। इसमें प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स और सब सेंटर्स वगैरह हुए, और इधर एनएचएम में जो है ये अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हो रहा था। तो आज आपका ये एनआरएचएम खत्म होता है, जो नेशनल हेल्थ मिशन है वो कम्प्लीट यहाँ पे
आज हो जाता है। इसके बाद अगर कोई क्वेश्चंस आपको बनते हैं तो आप कर सकते हैं।